नमस्कार, स्वागत है आपका शकुंतलम म्यूजिक हाउस में। जैसा कि आजकल आप जानते हैं, हम लोग राग परिचय भाग एक में थ्योरी का अध्ययन कुछ कुछ अंशों में कर रहे हैं। कुछ कुछ अंशों में हम इसलिए कर रहे हैं ताकि थोड़ा थोड़ा पार्ट आपको ठीक से समझ में आ सके। ज़्यादा एकदम से बताएंगे तो आपको समस्या आएगी, समझने में परेशानी होगी। तो पिछले क्लास में हमने जाना था राग किसे कहते हैं। एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करा देती हूँ। कम से कम 5, अधिक से अधिक 7 सुंदर स्वरों की रचना राग कहलाती है। समझ गए ना? अब राग क्या होता है? राग में आज हम समझेंगे वादी स्वर, समवादी स्वर, अनुवादी स्वर, विवादी स्वर या वर्जित स्वर किसे कहते हैं। देखिए, स्वर हैं लेकिन कितने सारे रूप हैं। जिस प्रकार घर में कोई एक मेन सदस्य सबसे बड़ा होता है, जो घर का लालन पालन करता है, ईश्वर चलाने वाले हैं, सब ईश्वर चलाने वाले हैं, लेकिन घर में जो हमें माता पिता के रूप में मिले हैं, बच्चे हैं हमारे, सब परिवार एक गुच्छा है। वो गुच्छा एक तने से जुड़ा हुआ होता है ना, जो एक वो मेन तना है, वो कहलाएगा घर का वादी स्वर, जैसे घर में पिता। उसी प्रकार राग का वह स्वर जो सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है राग में, वह स्वर राग का वादी स्वर कहलाता है। राग में वही मेन स्वर राग का राजा भी कहलाता है, जिसे हम अंश स्वर भी कहते हैं, जीव स्वर भी कहते हैं। जैसे सपोज अगर हम यमन की बात करें, यमन में ग वादी अर्थात राग यमन में ग स्वर सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। आपको पता है वादी स्वर से ही राग के समय का निर्धारण भी होता है। ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि वादी स्वर का समय से क्या संबंध है, राग के समय के ऊपर वादी स्वर का क्या इफेक्ट पड़ता है, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं वादी स्वर का, राग का वह मुख्य स्वर जो राग में अन्य स्वरों की अपेक्षा सबसे अधिक प्रयोग होता है, वह कहलाता है वादी स्वर। जैसे यमन में ग वादी, नी संवादी, भोपाली में भी ग वादी और ध संवादी, ठीक है। अर्थात जो स्वर बहुत ज़्यादा यूज होगा राग में, वह वादी स्वर कहलाएगा। अब आया समवादी स्वर। समवादी से तात्पर्य वादी की अपेक्षा कम परंतु अन्य स्वरों की अपेक्षा ज़्यादा प्रयोग। फिर समझिए, वादी की अपेक्षा कम, अन्य स्वरों की अपेक्षा ज़्यादा, वह स्वर समवादी स्वर कहलाएगा। वादी क्या था? सब स्वरों से ज्यादा प्रयोग होने वाला वादी। अब वादी के बाद जो सेकंड नंबर का स्वर आया, जो वादी से कम है परंतु अन्य स्वरों से ज्यादा प्रयोग है, वो कहलाया आपका समवादी स्वर। जैसे हम यमन में ग सबसे ज्यादा बजा रहे हैं, लेकिन ग के बाद यमन में नी का प्रयोग है, तो अन्य स्वरों की अपेक्षा नी ज्यादा है, तो नी समवादी हो गया। समझ गए? ये हो गई वादी की, संवादी की। एक परिवार के हिसाब से पापा जी हो गए वादी, मम्मी हो गई संवादी। अब अन्य स्वर अर्थात अन्य जो बच्चे हुए परिवार के, वो कहलाते हैं अनुवादी। अनुवादी, अब हम राग में आए, सबसे ज़्यादा मेन स्वर वादी, वादी के बाद दूसरे नंबर का प्रयोग होने वाला स्वर संवादी, तीसरे नंबर पे अन्य जितने स्वर प्रयोग हो रहे हैं राग में, वो कहलाते हैं सबसे पहला वादी, संवादी, तीसरे नंबर पे आया अनुवादी। क्या कहलाते हैं? अनुवादी। वादी और संवादी के अपेक्षा जो अन्य स्वर राग में प्रयोग हुए हैं, उन्हें कहा जाता है अनुवादी स्वर। अब आप आते हैं विवादी स्वर। विवाद का अर्थ अर्थात झगड़ा। विवाद का मतलब क्या होता है? झगड़ा, विवाद। ऐसा स्वर जिसे लगाने से राग का स्वरूप या राग की सुंदरता बिगड़ जाए। जैसे राग की सुंदरता किसी स्वर को लगाने से बिगड़ जाए, तो वह राग का विवादी स्वर कहलाएगा। समझ गए? जैसे सपोज हमारा नी है, यमन में हम गाते हैं नीरेगा, यहाँ पे हमारा
तीव्र मान है। अगर यहाँ पे हमने माँ शुद्ध लगा दिया तो जो सुंदरता हमें यमन के लिए चाहिए वो हमें नहीं मिल पाएगी, है ना। ठीक है, समझ गए। वादी सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला, संवादी वादी के बाद प्रयोग होने वाला, वादी संवादी के अलावा अन्य जितने स्वर प्रयोग होंगे वो कहलाएंगे अनुवादी स्वर। और ऐसा स्वर जिसको लगाने से राग का प्रारूप बिगड़े, स्वरूप बिगड़े, राग की सुंदरता बिगड़े, वह स्वर कहलाया जाएगा विवादी स्वर। एक होता है वर्जित स्वर। वर्जित स्वर से तात्पर्य ऐसा स्वर जो राग में नहीं लगना। अगर उस स्वर को हमने लगाया तो राग हमारा बिगड़ जाएगा, राग की सुंदरता खत्म हो जाएगी। जैसे भोपाली में क्या वर्जित है, माँ और नी। अगर हमने सा रे गा पा धा सा धा पा गा रे सा धसा, है ना भोपाली का प्रयोग। लेकिन अगर हमने यहाँ पे माँ और नी का प्रयोग कर दिया तो इसका स्वरूप बिगड़ जाएगा। सा रे गा मा पा धा नी सा, लगा ही नहीं कहीं से भोपाली है। समझ गए आप, वादी संवादी अनुवादी विवादी और वर्जित स्वर आज हमने सीखे। आशा है आपको समझ में आए होंगे। नहीं समझ में आए तो मुझे बताएं, मैं आपको फिर से समझाऊंगी। इस ब्लॉग को जो भी हमने अभी किया है, जो भी हम आपके साथ रेगुलर शेयर करते हैं, मैं चाहूंगी कि आप उसे शेयर करें ताकि उन सब लोगों तक भी पहुंचे जो संगीत को जानना चाहते हैं। ओके, धन्यवाद बेटा।